देख रहे हैं उत्तर प्रदेश बरेली तहसील फरीदपुर की वह दुर्दशा जहां एक भारतीय जनता पार्टी के सिपाही 70 वर्षीय नरेश पाल गुप्ता लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, बाबा साहेब, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, सीएम योगी की तस्वीर रख करके लगातार अनशन व धरने पर बैठे हैं, लेकिन अभी तक नहीं मिल पाया उनको न्याय। आइए हम बताएंगे किस प्रकार से नरेश पाल गुप्ता कहते हैं कि जिस दिन योगी बाबा हमारी आवाज़ सुनेंगे, पीएम मोदी सुनेंगे, उस दिन हमें न्याय जरूर मिलेगा। आइए हम सुनाते हैं क्या कुछ कहते हैं नरेश पाल गुप्ता। मेरे लड़कों के नाम से तहसील फरीदपुर जनपद बरेली उत्तर प्रदेश में खसरा नंबर 541 542 544 मिलजुला 544 बाँ 559 560 आदि नंबरों से संक्रमणीय भूमि है। भूमि पर वहाँ का भूमाफिया अली प्रताप सिंह राणा अपने संगठित गिरोहों द्वारा तहसील फरीदपुर के पुलिस प्रशासन की साठगांठ एवं मिली भगत एवं पुस्ताओं बरेली या शासन में बैठे किसी भी साठगांठ से अवैध कब्जा, अवैध बिक्री, अवैध निर्माण लगातार कर रहा है। इस संबंध में हमने अपने शिकायती प्रार्थना पत्र थाना, तहसील, जनपद, मंडल, शासन स्तर एवं माननीय प्रधानमंत्री जी भारत सरकार एवं माननीय गृह मंत्री जी भारत सरकार दिल्ली तक दिए। उस समय हमारी जमीन बिल्कुल खाली थी। जमीन खाली के बाद भूमाफिया अली प्रताप सिंह राणा द्वारा के गिरोह द्वारा जब अवैध निर्माण शुरू किया, उस संबंध में अवैध निर्माण रुकवाने हेतु हमने थाना, तहसील, जनपद, मंडल, शासन स्तर एवं दिल्ली तक सभी जनप्रतिनिधियों एवं उच्च अधिकारियों को अपने शिकायती प्रार्थना पत्र दिए। मजबूर होकर हमें दिनांक 22 सितंबर 2020 से मैं परिवार शेठ दामोदर दास पार्क में अनिश्चितकालीन धरने पर बैठना पड़ा। ये बैठक का है जिसमें लिखा है आज दिनांक 7/12/2020 को साया 5:30 बजे शेठ दामोदर दास पार्क में धरने पर बैठे श्री नरेश पाल गुप्ता की मांगों के संबंध में जो हमारे ज्ञापन में मांगे दी गई उनकी समस्या के समाधान हेतु अपर जिलाधिकारी प्रशासन जनपद बरेली महोदय की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित व्यक्ति पक्ष उपस्थित रहे। प्रथम पक्ष नरेश पाल गुप्ता व सतीश चंद्र गुप्ता, द्वितीय पक्ष अनिल प्रताप सिंह राणा, इसके साथ अतिरिक्त श्री कुमार धर्मेंद्र उप जिलाधिकारी फरीदपुर, श्री आलोक कुमार अग्रहरी क्षेत्राधिकारी फरीदपुर, आनंद कुमार तिवारी तहसीलदार फरीदपुर एवं सुरेंद्र सिंह पचौरी प्रभारी निरीक्षक कोतवाली फरीदपुर उपस्थित रहे। हमारे सभी कागजातों को जो जमीन संबंधी जिनके बैनामा भी हमारे पास है और हमारे पास खतौनी भी है, इस समय भी खतौनी है, तो ये सब कुछ होने के बावजूद उपस्थित सभी अधिकारियों ने हमारी मांगों को जायज पाया और जायज के बाद सभी लोगों ने उपस्थित ये आश्वासन दिया कि हम आपकी जो ज्ञापन में दी हुई मांगे हैं वो जायज हैं, उनका शीघ्र हम निस्तारण समाधान कराएंगे। प्रताप सिंह राणा द्वारा अभिलेखों में दर्ज भूमि से अधिक भूमि पर कब्जा है, इसकी जांच कराई जाए। घाटा संख्या 541 542 544 मिलजुला 544 559 560 में काली पड़ी मेरी जमीन पर अली प्रताप राणा द्वारा किसी प्रकार का हस्तक्षेप दर्ज किया जाए। तीसरा दिया घाटा संख्या 541 में खाली पड़ी जमीन पर मेरे द्वारा निर्माण आदि के दौरान राजस्व टीम व पुलिस टीम उपलब्ध रहे, जिससे कि किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा शांत व्यवस्था भंग होने की स्थिति उत्पन्न ना हो। तो ये बैठक हुई। बैठक में होने के जो हमें ये कापी इसकी दी गई है उसमें देखा है तो इन्होंने ना तो अपने
एडीएम ई साहब जिनकी अध्यक्षता मीटिंग हुई उन्होंने अपने साइन किए, ना हमारे उपजिलाधिकारी महोदय के साइन हुए, ना हमारे सीओ साहब के साइन हुए, ना तहसीलदार साहब के साइन हुए, ना प्रभारी निरीक्षक महोदय के साइन हुए। ये दे दिया गया और आज लगभग 19 दिन हो गए हैं, कोई भी किसी प्रकार की आश्वासन के दाने के बाद कोई अभी हमें न्याय तो नहीं मिला है और हमारे साथ घोर अन्याय अत्याचार हर तरह से उत्पीड़न किया जा रहा है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी श्री आदित्यनाथ योगी जी के पास जो न्यायप्रिय जनप्रिय लोकप्रिय ईमानदार छवि के हैं, इनकी यूपी में नहीं इंडिया में विशेषता है, और हमारी इस पूरे प्रकरण को उनके पास भेज दें। हमें अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से पूरी उम्मीद है, पहले भी थी, अब भी है और आगे भी रहेगी, क्योंकि उनकी ईमानदारी या उनकी विशेषता पे कोई उंगली नहीं उठा सकता ना उठाई है। तो हमारा यही कहना है कि जब तक हमें ये न्याय नहीं मिलेगा, हमारा जो सांकेतिक धरना चल रहा है आश्वासन के आधार पर, वो सांकेतिक धरना जारी है।